सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। ताज़ा खबरें लैके हाजिर हुए हैं। सूबे पंजाब दीआं खास खबरां ते नज़र मारांगे। वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना। सब तो पहली गल करांगे खबर की। अज तरीक है 10 मार्च, दिन वीरवार। खबर आ रही है, सिद्धू नूं चोणां विच जवाब देण दी गल कहण वाला हौलदार गिरफ्तार होया है। पंजाब विधानसभा चोणां प्रचार दौरान पेंट गेली करन वाले बयान ते इतराज़ जताउण वाले हौलदार संदीप सिंह नूं मंगलवार नूं गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई एक औरत वालों दी गई मारकुट की शिकायत तो बाद कही गई है। रामबाग थाने की पुलिस ने उसका सिविल हस्पताल डॉप टैसट करवाया तो पॉजिटिव पाया गया। सिद्धू के इस बयान तो बाद पंजाब पुलिस में भारी रोस रहा। चंडीगढ़ के एक DSP और जलंधर के सब इंस्पैक्टर ने भी इस उत्ते इतराज़ जताया सी। इस दौरान अमृतसर के हौलदार संदीप सिंह ने सिद्धू के इस बयान से वीडियो बना के इतराज़ जताया सी। मंगलवार को गिरफ्तार होने की चर्चा तो बाद संदीप सिंह ने उन्होंने नाल होरी घटनावां के बारे में खुल के गलबात की। उन्होंने कहना है कि सिद्धू उन्होंने जानबुझ के परेशान कर रहे हैं और विभाग ने उन्होंने कहण उत्ते मंगलवार को उन्होंने डोप टैसट करवाया है। संदीप सिंह ने जानकारी दी है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू 27 दिसंबर को राजनीतिक प्रोग्राम के दौरान सुल्तानपुर लोधी आए थे। इत्थे मंच उत्ते मौजूदा विधायक नवतेज चीमा की पिठ उत्ते हाथ रखते हुए उन्होंने कहा कि जेकर यह दबंग विधायक दबका मारे तो थानेदार भी पेंट भी गिली हो जाती है। इस तो बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध शुरू कर दिता सी, लेकिन तद तो नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं। सिद्धू ने धमकियां भी दित्तियां सी कि चोणों तो बाद उसनू देख लैणगे। इस तरह का जिहड़ा उन्होंने बयान दिता है। अगली खबर डेरा ब्यास तो आ रही है। डेरा ब्यास जाने वाले श्रद्धालुओं लिए वड्डी खुशखबरी है। संगत लिए डेरे दे दरवाजे खोल दिए गए हैं। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास की संगत लिए खुशखबरी है। हुण डेरे नूं संगतां लिए खोल दिता गया। 20 मार्च नूं भंडारा भी होगा, जिस विच डेरा मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों सत्संग करनगे। जिक्रयोग है कि कोरोना महामारी कारण पिछले 2 सालों तो डेरे विच भंडारे का आयोजन नहीं होया है। हुण हालात आम वांग होण उत्ते डेरे विच निर्धारित सत्संग प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, तो इसलिए कुछ नियमों अते शर्तां भी रखी गई हैं। निर्धारित की गई शर्तों मुताबक डेरे विच दाखले लिए 18 साल तो वध उम्र की संगत नूं कोरोना वैक्सीन दीआं दोवें डोज़ां लगियां होणी चाहीदियां। एंट्री गेट उत्ते कोरोना वैक्सीन दा सर्टिफिकेट अते इक ID प्रूफ दिखाउणा होवेगा। जिन्हां नूं वैक्सीन की दूजी डोज नहीं लगी है उन्हां नूं RT-PCR टैसट की नैगेटिव रिपोर्ट दिखाउणी पवेगी, जो कि 72 घंटे तो वध पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगली खबर चोण नतीजों तो पहलां BKU राजेवाल नूं वड्डा झटका है। ब्लॉक ते इकाइयां दे अहुदेदारां वल्लों समूहिक अस्तीफे दिते गए है। चोण नतीजों तो पहलां BKU राजेवाल नूं वड्डा झटका लग्गिया। फरीदकोट ते श्री मुक्तसर साहिब दे सारे ब्लॉक ते इकाइयां दे अहुदेदारां वल्लों समूहिक तौर पर अस्तीफे दे दिते गए है। BKU राजेवाल के मुखी बलबीर सिंह राजेवाल वल्लों चोण लड़न करके किसानां अंदर रोह सी। दस दिए कि केंद्र सरकार वल्लों लियांदे 3 खेती कानून रद्द करवाउण लई चले संघर्ष विच किसानां दी वड्डी जित मगरों पंजाब दे कई किसान जथेबंदियों वल्लों सियासत विच आउण दा फैसला लिया सी। उन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा नाम की सियासी पार्टी बना के चोणां लड़ियां सी, पर इस फैसले कारण पंजाब दे कई जथेबंदियों ने संयुक्त समाज मोर्चे तो किनारा कर लिया सी। अगली खबर की गल करांगे, उस तो पहला वीडियो नूं लाइक शेयर ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो ताकि महत्वपूर्ण खबरां तुहानूं समें सिर मिलदियां रहिण। पाकिस्तान का जोरदार तरीके नाल जवाब दे सकदा है भारत, IT इंटेल का दावा है। अमरीकन इंटैलीजेंस कम्यूनिटी ने अमरीकी कांग्रेस को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई में भारत पाकिस्तान ने कथित उकसाइयों का जवाब पहले नालों ज़्यादा फौजी ताकत नाल दे सकता है। अमरीकी खुफिया भाईचारे का सालाना जोखम मुलांकण नैशनल इंटैलीजेंस के डायरैक्टर के दफ्तर द्वारा जारी किया गया है। इस दे नाल ही तुहानूं दस दईए कि मुलांकण दे विच कहा गया कि भारत ते पाकिस्तान विचकार संकट विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि 2 परमाणु हथियारबंद देशों विचकार टकराव खतरनाक है। रिपोर्ट विच कहा गया कि पाकिस्तान का भारत विरोधी कट्टरपंथी समूहों का समर्थन करने का लंबा इतिहास रहा है। रिपोर्ट ने इत्थों तक भी कह दिता है कि दोहां पक्षां विचाले तनाव वधण नाल टकराव का खतरा पैदा हो सकता है, जिस नाल कश्मीर च हिंसक अशांति फैल सकदी है, नाल ही भारत च अतवादी हमले की संभावना बनी हुई है। अगली खबर, कैप्टन ने
जिथे अज वोटां दा रिजल्ट आना उत्थे कैप्टन दा वड्डा दावा भी आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी गठजोड़ की सरकार बनेगी पंजाब दे विच, तुहाडे इस बारे की विचार है कमेंट बॉक्स दे विच शेयर करते रहना। चोणां दे नतीजों तो पहला हर दिल दे दिल की जिहड़ी है धड़कन तेज़ हो गई है। पंजाब विच विधानसभा चोणां दे नतीजे अज आउणे है ते थोड़ा समा बचिया है। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गठजोड़ की सरकार बनाउण दा दावा कर रहे हैं। कैप्टन का कहना है कि बहुमत साबित करन तों बाद उह फ्लोर टैसट का प्रबंध करनगे। इस तरह का जिहड़ा उन्होंने खास तौर पर बयानबाजी दी है, पर कित ना कि दूजे पास जिहड़े एग्जिट पोल के नतीजे है वह उन्होंने उल्ट साबित हो रहे। एग्जिट पोल के उन्होंने बहुमत तक ही कुछ सीटा भी मिलदियाँ नज़र नहीं आ रही। एग्जिट पोल के मुताबिक आप सब तो अगे चल रही है, दूजे नंबर पर कांग्रेस और तीजे नंबर पर अकाली दल का जिहड़ा है एग्जिट पोल के नतीजों के ऐलान किया गया। बाकी कुछ घंटों के दुध दुध तो पानी का पानी हो जाएगा। सारी जड़ी है वोटों के जो भी रिजल्ट है इस चैनल पर बने रहो, तो मिलता रहेगा। अगली खबर, सुखबीर बादल बोले है सरकार पैसे दे के करवाउंदियां हन एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के भी नतीजे निकल गए, मुकम्मल पाबंदी लावी चोण कमीशन यह मांग की है। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते साबका केंद्रीय मंत्री बीबी हरसिमरत कौर बादल सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक हुए। गुरद्वारा बाबा गुरबख्श सिंह जी शहीद विखे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग दे विच शामिल होए। गलबात करदिआं सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि एग्जिट पोल सब झूठ है, नतीजे ईवीएम मशीनों के बंद है। उन्होंने कहा कि नतीजे तो बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। सरकार आई तो सिक्ख्या नीति वाल विशेष तौर पर ध्यान दिता जाएगा। जिक्र योग है कि पंजाब विधानसभा चोणों लई वोटिंग 20 फरवरी हुई है, नतीजे अज आने हैं। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने एग्जिट पोल से मुकम्मल पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा झूठे साबित होंगे है, इसलिए चोण कमीशन एग्जिट पोल उत्ते मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए क्या कि जी अफवाह इस तरह वोटों के रिजल्ट तो पहला ना फैलन, तो लोगों के मन के किसी तरह का वहम ना बने। अगली खबर, अमरीका ने रूस तो तेल ते गैस की दरामद उत्ते पाबंदी लगा दी है। जिमें कि तुम जानते हो पहले अमरीका तो रूस के विचारे भी जी है अणबण लगातार बनती नज़र आ रही है, क्योंकि अमरीका तो जो अमरीका ने पाबंदी लगाने की कोशिश की है कि रूस और यूक्रेन का जो है उन्होंने युद्ध में लैके पाबंदियां लगाने की कोशिश की, तो रूस के वलों सरासर अमरीका की एक भी गल नहीं सुनी गई। जिस तों बाद अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन तो रूस के हमले के जवाब च उसकी अर्थव्यवस्था को होर कमजोर करने के इरादे नाल ऐलान किया कि अमरीका रूस तो हरेक तेल की दरामद और गैस उत्ते पाबंदियां लाएगा। पर उन्होंने स्वीकार किया कि इस नाल अमरीकियां विशेष तौर पर गैस पंप से लागत वध जाएगी। यह कार्रवाई यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमीर जलसेंकी वालों अमरीका के पछमी देशों के अधिकारियों तो दरामद कटौती करने की अपील करने तो बाद हुई है। रूस के वित्तीय खेत्र से गंभीर पाबंदियों के बावजूद तेल निर्धारित खास तौर पर तेल निर्यात ने उत्थे नकदी प्रवाह को स्थिर बनाए रखा। इस तरह की खबर रूस और यूक्रेन के युद्ध के विचकार अमरीका तो आ रही है। अगली खबर ये भी जी है रूस और यूक्रेन के नाल जुड़ी खबर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने 3 लाख नागरिकों को बंधक बना लिया, एक बच्चे की मौत हुई है। रूस और यूक्रेन विचाले जंग में 2 हफ्ते होने वाले हैं। 24 फरवरी तो शुरू हुई इस जंग के यूक्रेन रूसी यूक्रेन रूस में कड़ी टक्कर दिता नज़र आ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 11,000 रूसी सैनिकों को ढेर कर दिता है, पर हुण इस दौरान उन्हें रूस के उत्ते वड्डा यह भी इल्जाम लगाया है कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूस ने मारियोपोल में 3 लाख नागरिकों को बंधक बनाया है। इस तरह की बयानबाजी आई है। अगली खबर, भारत च महंगाई में लगी अग, पेट्रोल डीजल की कीमतों के लगातार वड्डा उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार जिहड़ी है पेट्रोल ते डीजल दी कीमतों दे विच वड्डा वाधा देखण नूं मिल रहा है, ते इस तरह दे भी खबरां मिल रही हैं, रिपोर्टां मिल रही हैं कि कितना कितने रिजल्ट आउण तों बाद सरकार दे वल्लों वड्डा फैसला लिया जा सकदा। पेट्रोल ते डीजल दी कीमतों दे विच वड्डा उछाल देखण नूं मिल सकदा। कितना कितने दूजे पासे जो यूक्रेन ते रूस दे विचाले जंग छिड़ी हुई है, ते कच्चे तेल दी कीमतों दे विच प्रति बैरल के हिसाब के नाल डॉलर की कीमत के चंगा वाधा वेखन मिल रहा है। उसका असर कितना कितने पेट्रोल ते डीजल की कीमतों की महंगाई उत्ते सीधे तौर पर पवेगा। अगली खबर, अमरिंदर के डिनर उत्ते पहुंचे कांग्रेस के आप आगू।
पंजाबी सियासत नूं साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वोटां दी गिणती तों पहलां डिनर डिप्लोमैसी करके सियासत नूं अपनी वल करन दी कोशिश कर रहे हन। मंगलवार देर रात नूं अमरिंदर सिंह दे डिनर उत्ते कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे कई नेता पहुंचे, जिस कारण पंजाब विच नवीं चर्चा दा दौर शुरू हो गया। वोटां तों बाद अमरिंदर सिंह चुपचाप बैठे रहे। मंगलवार नूं अचानक अपने सिसवां फार्म हाउस ते पहुंच गया। कांग्रेस के कई पुराने ते दिग्गज आगुआं ने अमरिंदर नाल मीटिंग की। दस्या जांदा है कि अमरिंदर सिंह दे फार्म हाउस उत्ते देर रात तक मीटिंग चली। इस मीटिंग दे विच पंजाब विधानसभा चोणां नतीजियां संबंधी विचार चर्चा की गई। मीटिंग बारे बहुती जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली पंजाब लोक कांग्रेस के बुलारे प्रीतपाल सिंह ने ट्वीट करके एक वीडियो सांझी की है ते लिखे कि अक्कड़ बक्कड़ बंबे वो सिसवां फार्म हाउस विच उस रात कौन सी। प्रीतपाल ने लिखे कि 11 मार्च पंजाब विच क्लाइमैक्स दिवस होगा, क्योंकि अगे कितना कित कुछ आगू विकते भी नज़र आएंगे। तुहाडे सामने नतीजे तो बाद जिहड़ा है अपने आप दुध दा दुध ते पानी दा पानी हुंदा नज़र आएगा। अगली खबर, नतीजे तो पहला भगवंत मान के घर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नतीजे तो पहला आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे भगवंत मान के घर बाहर खूब तैयारियां चल रही हैं। तो भलके गिणती के दिन तैयारियां पूरे जोरों तो शोरों से चल रही हैं। घर बार वड्डी LED लगाई जाएगी। इतों पूरा नतीजा लाइव देखण के नाल नाल आम आदमी पार्टी के वर्करां ते वलंटियरां लई कुर्सियां लगाईआं जाणगीआं। इस दौरान मीडिया लई वक्खरी वड्डी स्टेज बनाई गई है। इत्थे खाण पीण लई लंगर का प्रबंध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती आम आदमी पार्टी के कहण ते भगवंत मान अपने घर की छत उत्ते मीडिया ते लोगों नूं संबोधन ते संबोधन करते नज़र आउणगे। अगली खबर, सरकारी स्कूलों से छुट्टियां संबंधी सिक्ख्या विभाग वालों नवे हुक्म जारी किए गए, उसकी गल करांगे। पंजाब के सिक्ख्या विभाग ने सरकारी स्कूलों से 2 राखवीं छुट्टियों के अलावा 4 बाद दोपहर अद्धे दिन दी छुट्टियां ते सालाना फंक्शनां दीआं मीतियां दे वेरवे मंगे हन। हालांकि इस संबंधी बहुत सारे स्कूलों 1 जनवरी तो 15 जनवरी तक वेरवे भरन लई हुक्म जारी होए सन, पर हाले भी बहुत सारे एडिड अते सरकारी स्कूल इन्हां दे वेरवे नहीं दे सके। स्टेट MISV रिपोर्ट मुताबक हाले भी हज़ारां स्कूल छुट्टियां अते फंक्शनां दीआं तरीकां दे वेरवे सांझे नहीं कर सके हन। इस दे नाल ही अगली खबर की गल करते हैं। पंजाब तो राजस्थान का सफ़र महंगा हो गया, हज़ारां ड्राइवरां दीआं जेबां ढिल्लियां होणगीआं। तुहानूं दस दईए कि पंजाब तो राजस्थान का सफ़र महंगा हो गया। इसका कारण बठिंडा मलूट रोड से खुलिया नवां टोल प्लाजा। जी हाँ, बठिंडा के पिंड बलूआणा च लगाया गया है टोल प्लाजा, शुरू हो गया। इस हाईवे तो करीब रोजाना 10,000 वाहन लंघते हैं। बठिंडा तो मुकसर के फाजिलका जिले में जाने तो इलावा लोग राजस्थान के श्री गंगानगर अबोहर, इस दे नाल नाल यात्रियों के होर बोझ बढ़ेगा। पंजाब कितना कितने लोगों को काफ़ी बोझ पवेगा। बसों से सफ़र करने वाले यात्रियों तो टोल का पैसा वसूलिया जाता है। इस कारण बठिंडा तो चंडीगढ़ तक के बस किराए टोल के 13 रुपये जुड़ गए हैं। उत्थे बठिंडा तो मलूट का किराया 65 रुपये है, जो आने वाले समय के 70 रुपये हो सकता है। ड्राइवरों को कार लिए 45 रुपये का टोल देना पवेगा। इस फिर दोवें पासे सफ़र करने वाले लिए 70 रुपये होगा। सड़कों का 90% काम मुकम्मल होने तो बाद नैशनल हाईवे अथॉरिटी वालों सोमवार तो इस चालू कर दिया गया। हालांकि कार राही 45 मिनट च पार होने वाला रास्ता भी 35 मिनट रह जाएगा। सड़क के निर्माण का काम जुलाई 2020 के शुरू किया गया। सिर्फ गिदड़वाह नेड़ों लंघ दियां नहरां ते बन वाले ओवरब्रिज का काम बाकी है। लोगों की एमरजेंसी सहूलत लई वख-वख थावां ते फोन अते कैमरे भी लगाए गए हैं। ये सड़क बठिंडा तो श्री गंगानगर तक बनाई जानी है, इसलिए 2 टेंडर रखे गए हैं। इस तहत 107 किलोमीटर सड़क ते 950 करोड़ रुपये तो वध खर्चे किए जाएंगे। बठिंडा तो मलोट तक 38 किलोमीटर के खेत्र का काम 296 करोड़ रुपये के टेंडर अलॉट करके मुकम्मल कर लिया गया। इस दे नाल ही मलूट तो साधुवाली तक 69 किलोमीटर के रूट पर 687 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस तरह की खबर है। सो ये सन अज दियां खबरां। बाकी तुहानूं दस दईए कि बठिंडा तो श्री गंगानगर तक सड़क के निर्माण लई मलोट तो बोर तो बाईपास निकलेगा। बठिंडा तो मलोट तक सड़क लई बठिंडा च मुकसर रोड के चौंक च 1 पुल ते गिदड़वाह च 2 पुल बनाए जाएंगे। सो मिलते हैं अगले रिपोर्ट के नाल। चोणां दे नतीजे तुहाडे नाल सांझे किए जाएंगे। चैनल दे नाल जुड़े रहो ताकि हर खबर पंजाब दी अज तुहानूं समय सिर मिलती रहे। वीडियो नूं उम्मीद है कि तुसीं लाइक शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब कर लिया होगा।